इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीएचसी शोर बाजार परिसर में विगत 26 दिन से अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर आशा संघ के जिला महामंत्री कुमारी ज्योति रानी ने बताया कि हम लोग दिन रात एक करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेहनत करके सरकार के कार्यों में सहयोग किए हैं। यहां तक कि अगर रात में जरूरत पड़ी है तो अपने नन्हे बच्चे को रोते छोड़ महिला प्रसव को सीएचसी लाने का काम किया है, और आज हमें जरूरत पड़ी है तो सरकार अपना कान और आंख दोनों बंद कर दिए है, जो हम कभी आशा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचा दिया है, और अगर हमारी बात को सरकार अमल में नहीं लाती तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अच्छा, आप लोग कई दिनों से देखते हैं धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि हम आशा बहने जर्मी रूम से काम करते हैं, हमारी काम का सभी लोग सराहना करते हैं, तो कम से कम हमारी ओर ध्यान दें, हमारी मजदूरी दें, और सरकार जो हम लोग को महिलाओं को घर से बाहर निकाले हैं इसके बारे में सोचे, क्योंकि सभी कर्मचारी एक जैसा काम करते हैं, हम लोग कर्मचारी की तरह काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रजिस्टर भराया जाता है लेकिन हम लोग को वेतन का कोई व्यवस्था नहीं है, केवल लॉलीपॉप दे करके फुसलाया जाता है। हम लोग का इस बार मांग है कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, क्या कहते हैं, पारितोषिक हटा करके मानदेय दिया जाए, हम लोग को पारितोषिक नहीं चाहिए। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल? हम लोग 26 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो सरकार के द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, दो तीन बार नेतागण को बुलाया गया लेकिन कोई भी संतुष्टजनक बात नहीं हुई है। वो लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग को मानदेय के छोड़ करके बात किया जाए, लेकिन हम लोग को मानदेय चाहिए और मानदेय ही चाहिए। अच्छा, बहुत दिन हो गया आप लोगों को धरना पर और देखते हैं सरकार सुन रही है, तो आगे की रणनीति क्या होगा इसके बाद आप लोगों का? आगे की रणनीति, यदि हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो ऐसे ही दरी पे बैठे रहेंगे, इससे भी ज्यादा होगा तो हम लोग जेल भरो अभियान करेंगे। क्या नाम है आपका? कुमारी ज्योति रानी, आशा संघ, जिला मंत्री, सहरसा। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।